हे व्हाट्सअप गाइस टू अनदर वीडियो ऑन पोकेमोन इंसर्जेंस। हाँ मैं जानता हूँ अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई मैंने पिछला एपिसोड तो सिटी के अंदर ख़त्म किया था और अभी मैं यहाँ ये कहाँ पर हूँ, तो चलो मैं तुम्हें बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग का माइक ऑन करना भूल गया, हमेशा की तरह एक बार फिर से भूल गया, तो उसके लिए एक बार फिर से सॉरी। तो उस सिटी से निकलने के बाद हम लोग गए थे मतलब मेगा स्टोन की हंटिंग में, जो कि मैंने पिछले एपिसोड में बोला था। और मेगा स्टोन की हंटिंग में मुझे टाइफ्लूजन का मेगा स्टोन तो नहीं मिला, पर मुझे गार्डेवॉर का मेगा स्टोन ज़रूर मिल गया था, और वो तुम स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने कैसे हासिल किया था। एंड इसके बाद हम लोगों ने सिटी एक्सप्लोर की, और उसके बाद हम लोगों को वहाँ पर मिल गया था एक एक्सपीरियंस शेयर। और उसके बाद हम लोग माउंट रोज में एंटर हो गए थे, और माउंट रोज में एंटर होते ही सबसे पहले हम लोगों ने पूरा माउंट रोज एक्सप्लोर किया। एंड मैंने वहाँ पर पूरी जितनी भी सब कुछ था वो सब एक्सप्लोर किया, साइक साइड ट्रेनर्स को हराया, और जितने भी आइटम्स थे रेयर कैंडी एस्केप रूफ वगैरह वगैरह सब कुछ मैंने ले लिया। एंड इसके बाद हम लोग डियाना और कैलरेथ और नोरा से मिले थे, जिसके बाद हम लोग ये इन्फर्नल कल्टिस्ट के सीक्रेट बेस में आ गए थे, एप्साइल कल्टिस्ट के नहीं इन्फर्नल कल्टिस्ट के सीक्रेट बेस में। एंड यहाँ पे इसके बाद पर्सिफोन भी आ गई थी, एंड उसके और डियाना के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हुई थी जो कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड उस कन्वर्सेशन के बाद वहाँ पे ज़ेनियाथ भी आ गया था, और उसने मुझे और डियाना कैलरेथ और नूरा हम चारों को पकड़ लिया। एंड उसके बाद उसने हमें उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया, पर मैं किसी तरह उस जेल से भागने में कामयाब रहा, और मुझे इन्फर्नल कल्टिस्ट के मेम्बर का डी एन ए मिल गया, और यही वजह थी कि मैं उनके उस प्रिजन से निकल पाया। एंड इसके बाद वहाँ पर उसे पता चल जाता है ज़ेनियाथ को कि मैं प्रिजन से एस्केप कर चुका हूँ, तो वो वहाँ पर हमें ढूंढ रहा होता है, और उसे पता ही नहीं चलता कि ये हम ही हैं। और वो हमसे बोलता है कि तुम दोनों मतलब मैं और मेरे साथ ये जो यहाँ पे गार्ड है इसको बोलता है कि मेरे साथ तुम लोग कंट्रोल रूम में चलो, ताकि अगर वहाँ पर वो बंदा है तो लाइव ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पर वो कुछ दिक्कत ना कर सके, तो फॉर सेफ्टी वो कहता है हम दोनों को चलने के लिए। एंड इसके बाद आगे चल के मैं कैलरेथ से भी मिलता हूँ, और वो कहता है कि वो तो उस प्रिजन से ईजिली मैनिफी की मदद से निकल सकता है, तो मैं ये प्लान जारी रखूँ और ये मुझे जो अच्छा मौका मिला है इसका फ़ायदा उठाऊँ। और अभी हम लोग यहाँ को यहाँ से सीधा अंदर जाना है, और पूरे के पूरा वो जो लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला है उसे बर्बाद करना है। तो आई होप मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो और तुम्हें समझ में आ गया हो। सॉरी भाई मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा, हालांकि मैं पिछली बार भी बोला था, लेकिन इस बार पक्का भाई मैं ध्यान रखा करूँगा। तो या लेट्स गो भाई, अभी यहाँ पे ये आई थिंक एक ट्रेनर है, या यहाँ से भी अभी और लंबा जाना है हमें। ठीक है तो पहले इस ट्रेनर को निपटाते हैं भाई। ओके अब इस साइड चलते हैं, ये और ट्रेनर तो मैंने निपटा दिया है, आई थिंक इसी साइड होना चाहिए। ओके ये दोनों क्या कर रहे हैं। आई एम सो ग्लैड वी हैव अ लीडर एज स्ट्रॉन्ग एज ज़ेनियाथ, नन ऑफ द अदर कल्ट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट अस वंस वी गेट मूविंग। वैसे ये बात तो सही है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्ट मुझे लगता है इन्फर्नल कल्ट, बाकी सारे के सारे कल्टस के कंपैरिजन में। ओके यहाँ पे एक लावा का बीच में कुछ रखा हुआ है। ओके आई थिंक एक ऑटो ना, यहाँ पे स्पीड इतनी स्लो क्यों है, सॉरी भाई कुछ ज़्यादा ही स्पीड स्लो है या फिर लैग कर रहा है, मैं देखता हूँ भाई। ओके एक और ट्रेनर मैंने हरा दिया, और यहाँ पे एक और ट्रेनर है भाई अभी पता। ओके ये ट्रेनर नहीं है, डोंट वरी आई एम नॉट गोइंग टू बैटल यू, इट्स नॉट रियली माई थिंक, आई एम रीडिंग अप ऑन स्ट्रैटेजी एंड टीम कॉम्पोजिशन, बट आई रियली हैविंग अ टफ टाइम, मे बी समडे मे बी समडे। ओके अच्छा है भाई, मेरे लिए तो अच्छा ही है कि ये बैटल नहीं कर रहा। ओ कम ऑन मैन, ऊपर से जाना था हमें, सीरियसली मैं फालतू में यहाँ तक आया एक इधर के लिए, सच में इट्स अ जॉइंट मशीन ऑफ सम किड। ओके लेट्स गो भाई, अभी हमें ऊपर साइड जाना, तो मैं ऊपर साइड पे ही मिलता हूँ तुम लोगों को। लेट्स गो अपर साइड, और होपफुली भाई यहाँ पे ज़्यादा ट्रेनर्स ना हो। ओके एक ट्रेनर तो अभी मिल गया भाई सच में। ओके लेट्स गो आगे भाई, देखते हैं भाई होपफुली आ जाए जल्दी से। ओके आ गया ना, ये ट्रेनर है अगर हो भाई तो मैं बैटल नहीं कर रहा।
ओके चैंसी यार, मैंने अभी क्यों हील किया, मैंने अभी मेरी हीलिंग्स पूरी बर्बाद हो गई भाई। ओके लेट्स गो दिस साइड, होपफुली भाई जल्दी आ जाए। कितना दूर है भाई इनका हेड, मतलब वो मेन ऑफिस। ओके आई थिंक आ गया। आई एम सॉरी बट ज़ेनियथ हैज सील्ड दिस एरिया ऑफ टू ऑफ ऑल कल्ट मेंबर, नॉट श्योर व्हाई, मे बी अ प्रिजनर और समथिंग। एक सेकेंड, तो हमें जाना कहाँ है अब? ओ भाई साहब, ये बिल्कुल मुझे पहचान में ही नहीं आ रहा था, तो हमें यहाँ पे जाना है। ओके ओके, यहाँ पे जाके हम करेंगे क्या भाई? उसका वो हेडक्वार्टर्स तो उस साइड है। अरे अरे, ये है ना भाई, यहीं पे तो उसने किया था भाई अपना ब्रॉडकास्ट, ये रहा ज़ेनियत। चलो भाई मिल गया बंदा, अब भाई इसका पूरा ब्रॉडकास्ट बिगाड़ता हूँ मैं। बहुत कर लिया भाई तूने ब्रॉडकास्ट, बहुत बन गया टीवी हीरो, अब मैं तेरे को ज़ीरो बनाता हूँ। रुक जा भाई, आ जा भाई चल। हाँ लेट्स गेट दिस स्टार्टेड देन। हाउ डू आई लुक? यू लुक फैंटास्टिक सर, योर हेयर लुक्स ग्रेट, ग्लैड टू हेयर इट। आर यू कैमराज रोलिंग? दे विल बी इन अ सेकेंड सर, जस्ट गिव अस अ मोमेंट टू। हाँ एक सेकेंड, ये मैनेफी है क्या? या इट्स अ मैनेफी, कैलरेट आ गया। व्हाट? इट्स अ मैनेफी, कैलरेट कहाँ है भाई? कैलरेट नहीं देख रहा मुझे। इज दैट अ मैनेफी? व्हाट इज अ लेजेंडरी पोकेमॉन डूइंग हियर? इट्स द प्रिजनर। व्हाट्स गोइंग ऑन? हाउ डिड यू एस्केप? ओ भाई कैलरेट ये उस बंदे के अंदर था। ओके समझ गया। हर्ट स्वॉम्प मैन, इट्स अ मैनेफी एबिलिटी, अ मूव ओनली इट कैन लर्न। In battle, it switches the stat changes of two Pokemon, but outside. Well, whoever was standing here is in whatever prison cell where you kept me. Ray, you can come out too. Give me a hand. Yeah, boy. Why fas gaya banda? I should have realized. Of course you. Would you use pixies to bust your way out? Not that it matters. The entire region is under my control, as well as two of the most powerful Pokemon in existence, Heatran and Groudon. Oh, bhai, iske paas Heatran bhi hai. A prophecy and the future itself protect me. Remember, it was I at the library with you. I had the oracle tell that the chosen one would join my cult. I'll tear you two apart, one Pokemon at a time. So who wants to go first? You say first like you will stand even a chance against me. You are the leader of the Infernal Cult. You use fire and ground types. I can run a rain gym. You want last 5 seconds. Alright, we'll use the table. You too. Better guess this on camera. I want the entire region to see my turtle, the person I told them to hit. 3, 2, 1. Oh bhai. What the hell? Hey! वेल दैट भाई यार इसने फंसा लिया यार, ये बहुत गलत बात है भाई, वही मानना पड़ेगा, ट्रैप तगड़ा था। यू लुक कन्फ्यूज, डिड यू रियली थिंक आई वॉज गोइंग टू बैटल हिम? आई डोंट टेक रिस्क व्हेन आई कैन हेल्प इट, दिस इज अ गेम। दैट ट्रैप डोर ओपन्स द डीप इन टू द बेस, वेरी डीप। डिड यू ऑनेस्टली बिलीव आई विल लेट दिस बी ईजी फॉर यू? ग्राउडन कम ऑन आउट। ओके इसने अपना ग्राउडन निकाल लिया, बैटल करनी है। You, on the other hand, I want to keep for myself. You are supposed to join me after all. But most importantly, I can beat you fairly. So, let's have it. मेरे को तो भी दिन गिरा देगा तू फिर से ट्रैप में। I want to enjoy every last moment of the battle before I take my place as ogre. ओ भाई अब ये थर्ड ऑगर बनेगा। सही है भाई, सब बन जाओ ऑगर, हैं? सबके सब रीजन के लोगों को है ना, पहले फर्स्ट फिर सेकंड, अब ये थर्ड बनेगा। मैंने बनने ही देना कोई को, बाड़े में जाए अगर वो अगर। ओके मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, दे वी गो। ओके स्वॉर्ड डांस कर ले भाई जो करना है। ए विड्रॉ क्यों किया, ये गलत बात है भाई। ओके वन मोर सर्व फुल रिस्टोर। ओके पर फिर भी उतना ही डैमेज पड़ेगा भाई सर्व से, और फास्ट मैं हूँ। फिर से विड्रॉ, एक्सकाड्रिल को निकाल ले, कोई ना भाई मरेगा एक्सकाड्रिल भी। ओके देयर वी गो, वन डाउन। ग्राउडन, ओके ग्राउडन आ रहा है।
ग्राउडॉन के खिलाफ मैं और किसी को निकाल भी तो नहीं सकता, यही है भाई मेरे पास, और कुछ भी नहीं है। ओके आते ही भाई प्राइमल फॉर्म, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, आते ही प्राइमल फॉर्म सीधा। आई डोंट हैव एनी मूव, सर्फ ही यूज़ करते हैं। व्हाट द हेल, एक सेकेंड सर्फ अटैक क्यों नहीं हुआ। ओके दैट्स बैड, चार्जार्ड कम ऑन आउट, इसका ग्राउडॉन बहुत दिक्कत करेगा भाई। मेगा इवॉल्व एंड आई शुड यूज फैंटम फोर्स, या मैं भी मेगा इवॉल्व करूँगा भाई, तू प्राइमल फॉर्म लेगा तो मैं भी मेगा इवॉल्व करूँगा। ओके लावा प्लम अटैक मिस्ड, भाई इतना कम डैमेज, शूट भाई। लूनार कैनन प्लीज, अब यार वेदर भी तो डार्क नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, वेदर डार्क थोड़ी ना, इसका सनी डे वेदर और ऐसे एडवांटेज दे रहा है। ओके गार्चों भी अब कुछ कर सकता है, ड्रैगन क्लॉक कम ऑन, यार इतना कम डैमेज, वन हिट कर रहा है भाई वो लिटरली मुझे। ओके आई शुड सैक्रिफाइस इसे, मतलब गार्चों को मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ओके मुझे इसके ग्राउडॉन को बस निकालना, उसके बाद तो आई थिंक मैं जीत सकता हूँ, भले मैं तीन पोकेमॉन फेंट है पर मैं जीत सकता हूँ, मैंने इसको सिर्फ ग्राउडॉन को निकाल दिया। थंडर तो ऑफकोर्स काम नहीं करेगा, फाइटिंग भी काम नहीं करेगा, स्टील काम कर सकता है। ओके फ्लैश कैनन लाओ, प्लम्बर यू मत भाई, बर्न हो गया यार। ओके नो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, फायर टाइप भी तो है, मैं सिर्फ ग्राउंड टाइप सोच के गया भाई। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, वेरी वेरी थैंक यू। ओके सनलाइट भी गई, कैंडल योर आ रहा है जहाँ तक मैंने देखा है। ओके स्विच करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं काम करने वाला हूँ, म्यू वैसे भी मरने वाला है, मैं किसी को तो रिवाइव कर ही लेता हूँ एटलीस्ट। हाँ इसके फायर टाइप है ना मैक्सिमम, आई थिंक आई शुड रिवाइव जॉ, क्योंकि स्वाना मर सकता है भाई जल्दी। ओके ओवर इट, थैंक यू म्यू भाई, म्यू भाई हमेशा एंड मौके पे आके बचा जाता है। गार्डिवॉर इस बैटल में लिटरली किसी काम का नहीं है, तो मैं गार्डिवॉर को सैक्रिफाइस करने वाला हूँ। ओके एक्चुअली डैजलिंग ग्लीम से मैं इसे मार सकता हूँ, मरियो मत यार, मैंने बेवकूफ़ी कर दी, मुझे हील कर लेना चाहिए था, मुझे लगा डैजलिंग ग्लीम से एटलीस्ट भाई मैं सैंडलियो को निकाल सकता हूँ, पर फास्ट था ये एक्चुअली। ओके आई शुड रिवाइव हिम, मू मिल्क फुल हो जाएगी हेल्थ मू मिल्क से, 131 नहीं होगी भाई, मैं हाइपर पोशन यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को रिस्क ही नहीं लेना भाई। ओके लेट्स यूज इट, ओके थैंक यू भाई अटैक मिस्ड करने के लिए, मैं और किसी को भी रिवाइव कर लेता हूँ, ये अच्छा है भाई, और इसके ऊपर फायर टाइप मूव ज़्यादा इफेक्ट भी करेंगे तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। मेरी रिवाइव ऑलमोस्ट ख़त्म है भाई। ओके आई थिंक आई शुड रिवाइव स्वाना, या ओके ओवर हीट वैसे भी इफेक्ट नहीं करेगा ज़्यादा, दैट्स गुड एक्चुअली, मैं स्वाना को फुल रिवाइव कर लेता हूँ। ओके इसका ग्राउडॉन ने भाई दिक्कत दी, वरना तो भाई मैं ऐसे ईजिली हरा सकता था, इसके ग्राउडॉन ने दिक्कत खड़ी कर दी। ओके इस बार मर गया ओवर हीट से, क्या बात है भाई, एक बार मर रहा है एक बार नहीं मर रहा, चलो कोई ना। ओके अब नहीं खोलना भाई बैग, मेरे मेन दो पोकेमॉन जो जिता सकते हैं मुझे वो मेरे पास हैं, सबसे पहले इसे निकालो भाई। ओके देयर वी गो, 76 का हो गया स्वाना। वॉल्केरोन वेलकोरेन बक टाइप भी है ना ये, इसी को रखते हैं। आई थिंक आई शुड यूज एरियल एस, एयर स्लैश सॉरी। ओके इससे कम हुआ अटैक, स्पेशल अटैक बढ़ गया इसका, ओ भाई और बढ़ा लिया। ओके स्पेशल डिफेंस और डिफेंस कम हो गया, ये मुझसे फास्ट है शायद, या एज एक्सपेक्टेड भाई इसकी स्पीड बढ़ गई है। ओके पर ये ग्राउंड वो गार्चॉम को तो नहीं हरा पाएंगे, तो आई शुड यूज़ प्रॉबली ड्रैगन क्लॉ, या गार्चॉम पर हिट कैसे हो गया भाई, कम ऑन मैन दिस इज जोक, दिस इज रियली जोक।
ओके कहाँ पे स्पॉन? ओके थैंक यू भाई, यहीं पे भेगा, मुझे लगा पता ही कहाँ फेंक देंगे भाई। ओके चलो भाई, मैं वापस चलता हूँ वहाँ पे, फिर से मिलता हूँ तुमसे बैटल में। The next day. ओके गाइस, आई फाइनली वॉन भाई। सच में भाई, मैं 5 बार हार चुका हूँ इससे भाई, मैं अब थक गया था भाई यार, थैंक गॉड। और ये बैटल भी मुझे भाई, एक वक्त पे मैं भाई रिस्टार्ट करने वाला था, मुझे लगा भाई मैं ये भी हार जाऊँगा, इम्पॉसिबल भाई, ये मर गया क्या? एंड नाउ आई कांट इवन स्टैंड अप, स्लम्ब्ड अगेंस्ट माई पोकेमॉन। ओके एक सेकेंड, मुझे नॉर्मल स्पीड करने दो। हाउ एम्बैरसिंग, अब ये कौन आ गया भाई? मिस्टर जेनियत सर, आई हैव अ कैन हेल्प, कैन आई हेल्प यू? योर टाइमिंग इज इट ग्रेट, ओ वंडरफुल रे, फाउंड यू ऑलरेडी एंड डिफीटेड यू टू, हाउ परफेक्ट ऑल द लूज एंड्स टाइड अप, वॉट हु आर यू? ओ ज़ेनियत, आई ऑनेस्टली थॉट हर प्लान वुड नॉट वर्क, आई शुड नॉट हैव डाउट हर, आई गेस यू आर रियली अ ब्लाइंड। ये भाई पर्सिफोन है, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? एक्सक्यूज मी रे, पर्सिफोन है, डोंट रिकग्नाइज मी येट, होल्ड ऑन लेट मी टेक दिस सूट ऑफ। एक सेकेंड, पोशिफोन नहीं है, ये कौन है भाई? दे वी आर, रिमेंबर मी नाउ? नो, वॉट इफ आई टेक इन दिस वॉइस? एक सेकेंड, ये वो तो है भाई, ये वो है जिसने प्रोफेसी बताई थी। हाँ, यू आर द प्रोफेटर फ्रॉम द लाइब्रेरी। यू आर नॉट रियल, ऑफकोर्स नॉट ड्यूड, हु एक्चुअली बिलीव दैट गार्प क्रैप? मैन आई हैड थॉट यू फिगर इट आउट वेन यू मैंशंट एल फ्रैंक बाउम। ये क्या है भाई? यू नो वॉट्स बुक ही रॉट राइट? द विजर्ड ऑफ ऑस
एंड डू यू रिमेंबर द प्लॉट ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी? द विजर्ड वॉज फेक, देर वॉज नो मैजिक, जस्ट अ सिंगल मैन पुलिंग सम स्ट्रिंग्स, अ फ्यू फ्लैशी लाइट्स, फैंसी एक्सप्लोजन्स टाइम्स स्मोक. It's really easy to fake an amazing effect, so there was no prophecy. Who knows, maybe there really was one a long time ago, a hero that would rise up and defeat the cults. It seems to be coming true after all, but the only one I told you, definitely fake. Isne jo prophecy batayi thi, wo sari ki sari jhooti thi. You were never actually supposed to recruit Ray. That part was made up so you would drop your guard long enough for him to beat you. Huh? You're working for her, aren't you? She's been plotting against you, this whole time? Sure am. She sure was. Don't you know what happening if she wins? Ye kiski baat kar rahe hain bhai? Everything goes. Our existence, our world, all of it's destroyed. May she'll help me through those minor setbacks. Plus, I was promised a fortune. Now, Ray, my boss, she pioneered off all this from the beginning. She gave me his freaky powers, and it's thanks to her they did not work on you. No, I'm not a cultist. I guess the best word would be mercenary. Okay. But the person I work for, you do not want to get on her bad side. Really, it's her fault. The cults every exist in the first place when you think about it. Kaun hai bhai teri boss? She gives Zenyath his power and it's thanks to him that the other cults exist. Uski wajah se ye sare ke sare cults bane. After all the info. Oh, ye wo hai kya jo Auger se baat kar rahi thi? Tumhe yaad hai wo Dragon Ruins wale episode ke andar? Wo Auger ek anjaan aadmi se baat kar raha tha kisi, matlab wo kya kehte hai, mahal ke andar. After all the infernal cult came first. You will meet her eventually, don't worry. But for now, you have a job to do. Looking around now, I see an unconscious man with some touchable blood and broadcasting equipment. You seem pretty smart. You have maybe a couple minutes to disband the infernal cult completely before Groudon gets a hold of the equipment. Let's see what you can make of that. MacGyver, ये कौन है भाई? वो गायब हो गई वो. ओके, पर हुआ क्या भाई, अभी मुझे समझ में नहीं आया. एक सेकेंड, मैं मूव कर सकता हूँ. ओके, इज अनकॉन्शियस, ऑप्टेन DNA ऑफ Zenyath, क्रिस्टल पीस. ओके, क्रिस्टल पीस मिल गया भाई, ये सही है. ओके, ग्राउडन रोस इनकम्प्लीट. ओके, तो अभी क्या हमें निकलना है यहाँ से? आई थिंक सो, या लेट्स गो भाई. ओके, या निकलना ही था. हाँ आप बताओ भाई, क्या चल रहा है भाई यहाँ पे? वांट यू लिसनिंग, दिस इज योर चांस टू टेक आउट द इन्फर्नल कल्ट. Zenyath इज अनकॉन्शियस एंड देयर इज अ फिल्मिंग इक्विपमेंट एंड हिज हिप्नोटिक पावर इज टाइड ऑन हिज DNA. कम ऑन, फिगर इट आउट. ओके, आई थिंक आई शुड ट्रांसफॉर्म इनटू Zenyath, जहाँ तक मुझे लग रहा है. और फुली अभी कोई बैटल लाऊं, क्योंकि मेरे पास रिवाइव नहीं बची हैं. Zenyath, या अब ठीक है. वांट यू लिसनिंग, दिस इज योर चांस टू टेक आउट द इन्फर्नल कल्ट. Zenyath इक्विपमेंट, अभी भी ये वही बोल रही है. कम ऑन, फिगर इट आउट. ओके, शायद मुझे वहाँ उन कैमरामैन से बात करनी है. दैट बैटल यू हैड विद Zenyath, दैट वॉज अमेजिंग. वेन विल गोमी फॉर श्योर? थैंक्स, आई थिंक आई गेस आई ओ यू वन. यू वेयर द अंडर दैट जैकेट एनीवेयर. You are glad to pay however we can. This that Zenyath discussing is really convincing. I see that could work. I guess if Zenyath mind control powers were hooked up to his DNA, we could remove the mind control if you look like him. I'll get the broadcast ready. Get your affairs in order if you need to. Ready to start? Let's go, bhai. Fantastic. Okay, here's the plan. I'm going to record you just basically. Tell the world that you release them from your control. That should work, in theory. Lights, camera, action. और बोलता भाई, तब मज़ा आता. ओके, एक्शन. ओके, बोला है. एंड कट. भाई हमारे डायलॉग्स तो हमें पढ़ने दो भाई, हमारे डायलॉग्स पढ़ने ही नहीं दिए. दैट वॉज ऑसम.
एंड वाओ आई एम डेफिनेटली गोइंग टू विन सम शॉर्ट ऑफ अवार्ड फॉर दिस आई गेस दैट्स इट इट्स अ हार्ड टू इमेजिन दैट इन्फर्नो कल्ट होल्ड ऑन द रीजन जस्ट वैनिशिंग दैट ईजिली आई एम एट लॉस फॉर वर्ड्स बट थैंक्स यू सीम ऑल राइट ओके तो हमने अपना काम कर दिया आई थिंक ओके वो लड़की भी गायब हो गई भाई प्रोफेसी वाली मैनिफी खड़ी है मैनिफी ओके ऑब्टेन मैनिफी पाउडर म्यू नाउ हैज द हार्ट स्वॉप एबिलिटी गेट इन द क्लोज विक्टिम ऑफ यूजुअल स्टैचू एंड यूज द एबिलिटी टू स्विच इट्स पोजिशन विथ योर्स ओके तो इससे हमें करना क्या है द मैनिफी हार्ट स्वॉप अवे परहैप्स इट वॉज लुकिंग फॉर समवन ओके वो तो भाई उसे ढूंढने गई होगी जहाँ तक मुझे लगता है क्या नाम है उसका ओके पर्शफोन एंड नूरा हैज कम लेकिन ये पर्शफोन के साथ क्या कर रही है नूरा रे इट्स गुड टू सी यू पर्शफोन हेल्प मी एस्केप ओके वी नीड टू क्लियर आउट ऑफ एयर ओ ग्राउडन मेरे हिसाब से बेकाबू हो गया ओ भाई लावा के ऊपर खड़ा है वह लुक हु इट इज द माइट ग्राउडन कसिंग टू द पैथेटिक कल्ट दिस इज बीन यू टाइट Titan, join me instead. With me by your side instead, we could rule the world. भाई अब तू मत शुरू हो जाना. Together we could. चला गया. Well, that's new. Legendary Pokemon running away from me. भाई सब तुझसे भागते हैं. ठीक है. मैं भी भाग गया. Darkrai भी आज तक भाग रहा है. Never seen that one before. Oh yeah, ये base तबाह होने वाला है. जहाँ तक मुझे लगता है. What's that shaking? Probably Groudon it's heading back deep into the earth. That shaking really can't be good, especially in a volcano. Is it going to erupt? Probably not. But the base built inside of it's been to be collapsing. Pata tha bhai, we need to get out of here, Nora. Ray, I want you to follow me. Bhaad mein jaa tu, main na kar raha tere ko follow walo. There's someone we need to see on the way out. Okay, how do I know I can trust you? Believe me, I want to be here so much less than you do. You guys better be right behind me. भाई मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं है. All right, kid, follow me. Just down the hall and north. I'm going to try and make a point, but and you will see. Don't worry. We should have some time before things get too bad. भाई मुझे इसके ऊपर भरोसा हो नहीं रहा बिल्कुल. तो चलो भाई, finally ज़ेनियत को तो हरा पाए. Follow me. ओके लेट्स गो भाई. बेस सच में गिर रहा है भाई. ओके पोकेबॉल. ओके ये रही डियाना. हेलो सिस्टर पोशी. दैट बेस इज शेकिंग, इट्स कोलैप्सिंग. प्लीज यू नीड टू हेल्प मी आउट. आई फाइनली फिगर इट आउट डियर. यू वेर टेलिंग द ट्रुथ ऑल अलोंग. कैन वी टॉक अबाउट दिस लेटर? वी नीड टू गो हरी. हाँ भाई, जो भी करना है बाद में करना है. डाक रहा है वो. अरे भैया मैं पढ़ नहीं पाया. इट वॉज क्रिसिलिया दैट लियोर्ड इट टू यू. It makes so much sense in hand side. There's considering two sides of the same coin, the new and full moons. And now it's belong to me. इसने क्या उठाया वहां से? You know what I have now, Diana. Leverage with you or Cresselia, I can convince Darkrai to do whatever I want. Persephone, please, you need to get me out of here. I am. What does it? That's remind you of Persephone. I'm sorry for what I did to see. इसने भी इसे बिट्रे किया होगा. डियाना ने भी पहले Persephone को बिट्रे किया होगा. मैंने तुम्हें बताया नहीं भाई, लेकिन पिछले एपिसोड में क्या हुआ था? इसी एपिसोड में तो ये जो Persephone है, इसको ये दोनों मतलब बेसिकली पहले इन्फर्नल कल्ट में ही थे, लेकिन फिर डियाना इसको छोड़कर भाग गई थी. तो अभी मुझे लगता है Persephone भी उसी का बदला ले रही है. बट इफ़ यू डोंट हेल्प मी आउट, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट. ओ आई एम श्योर यू विल फाइंड अ वे आउट. आफ्टर ऑल आई वॉज एबल टू. वी आर इवन नाउ. ओके मैं करता हूँ भाई. आई इग्नोर हर. वी आर इन अ हरी. द बेस इज कोलैप्सिंग क्विकली. रे आई रियली नीड योर हेल्प प्लीज. वन ऑफ द रॉक्स दैट फेल नॉक्ड ऑफ That dislodged the fingerprint scanner, so the lock is jammed. I can't open it. Right over there to your right is an administrative panel. There might be a button or override the lock. Open door. Okay, prison. If you can find. Okay. मैं करता हूँ भाई.
लेकिन जाऊं कहां से भाई, मैं बटन तो प्रेस कर दूंगा लेकिन जाऊं कहां से। ओके मुझे एक सेकंड भाई डीएनए चेंज करके देखने दो। यूज आई थिंक ये स्पेशल रूम था ज़ेनियत का, तो आई थिंक ज़ेनियत देयर नो रीज़न दैट नाउ। तो भाई मैं क्या करूं, मेरे पास और कुछ भी नहीं है भाई। इन्फर्नल कल्टिस्ट देयर नो रीज़न, तो भाई मैं कहां से जाऊं। एक सेकंड, यहाँ पे मैनफी का लगाया, मैं मैनफी के वो यूज़ करके देखूँ डीएनए जो भी दिया था भाई उसने। ज़ेनियत इन्फर्नल ऑर्डर एंड हार्ट स्वॉप ये करके देखूँ। ओके या यही करना था, थैंक यू भाई। अच्छा भाई मैनफी का वो लगा था स्टैचू तो मुझे समझ में आ गया। ओके देयर वी गो। अच्छा ये ऐसा ऐसा हार्ट स्वॉप है, समथिंग हैपेंड। ओके भाई प्रिजन खुल गया, निकल भाई डीएनए जल्दी। एक सेकंड मुझे फिर से यूज़ करनी पड़ेगी हार्ड सॉफ्ट में यूज़। ओके लेट्स गो भाई, चल भाई डी है ना। रे आई यू यू वन, यू सेव्ड माय लाइफ, लेट्स गेट आउट ऑफ एयर। लेकिन भाई कैलरथ भी तो है, वो तो डीप चला गया था बेस में, कैलरथ को भी तो बचाना पड़ेगा। आई थिंक मैनफी उसको बचा लेगी। ओ डी है ना, रे थैंक गुडनेस यू टू आर ऑल राइट। आई सॉ पर्स्यून एस्केप अर्लियर बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू लीव अंटिल आई सॉ यू टू। वी आर फाइन नूरा, थैंक यू फॉर योर कंसर्न, यू डोंट नीड टू। ओ भाई रफ्ट हो गया बॉल को। लेकिन कैलरथ भाई, कैलरथ का क्या हुआ, वो बचा के नहीं। वेल दैट वॉज लाउड, आई गेस दैट्स द एंड ऑफ द इन्फर्नल कल्ट। काइंड ऑफ आयरोनिक दैट द कल्ट ऑफ फायर एंड ग्राउंड वॉज बरीड बिनेथ द अर्थ। लिसन वी नीड टू प्रेस फॉरवर्ड, आई डोंट हैव एनी पोकमॉन, पर्स्यून टुक देम ऑल। I'm going to trace her down. She clearly going to try something with Darkrai again. I think it would be best if you two just went in on to Nara town and continued through the Pokemon League. There's no 8th gym, not since the first ogre disappeared, but maybe you can find a leftover badge so you can enter the victory road. ओके तो 8th जिम फर्स्ट ऑगर का था लेकिन अब वो डिसअपियर्ड है, तो आई थिंक हमें बस उसका बैज उठाना पड़ेगा उसकी सिटी में जाके। आई एम गोइंग टू कन्फ्रंट माई सिस्टर वंस एंड फॉर ऑल। ओके भाई थैंक यू। हे ओ रे, आई डिड नॉट वॉन्ट टू आस्क दिस इन फ्रंट ऑफ हर बट डिड यू सी कैरेट गेट आउट। भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब से आई हैवन सीन हिम येट, आई एम श्योर ही इज़ फाइन, आई एम जस्ट अ बिट वरीड इज ऑल, नेवर माइंड आई एम श्योर ही गॉट आउट। ओके I'm going to keep going. Nara town seems like a safe bit, but I'm going to check out Gia's town. That's where the ogre ran his gym. I'm sure there will be information about where we can find badges there. Okay, to Gia's town mein hai the gym. I think it's the best if we split up. You just keep going south, okay? And stay safe. We have to beat in 2 of the cultists, but I know 3 more that I love to get their hand on us. डोंट लेट यू गार्ड डाउन। ओके भाई ठीक है, लेकिन पीछे जा सकते हैं क्या? ओके जा तो सकते हैं अभी भी हम लोग। आई थिंक वो केव बंद हो गई होगी। ओके तो अभी यहाँ पे कोई काम नहीं है, अभी बाहर ही चलते हैं भाई। ओके हार्ट स्वैप करके मैं यहाँ ऊपर आ गया हूँ, थोड़ा मैं यहाँ ऊपर देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है। और ऐसी बहुत सारी जगह हैं भाई जहाँ पे मैंने ये हार्ट स्वैप की वजह से चीज़ें छोड़ दी थी। एक वो फॉरेस्ट भी था, वहाँ पे भी हमें हार्ट स्वैप की ज़रूरत थी। ओके मैं बाहर नहीं निकलना भाई, मैं गलती से बाहर निकल गया। ओके यहाँ से नीचे जा सकते हैं क्या? ओके नीचे जा सकते हैं भाई। ओके ओके ये ऊपर वाली जगह है, समझ गया, ऊपर वाली जगह है या फिर कोई दूसरी जगह है, देखते हैं भाई। आई थिंक ये ऊपर वाली जगह ही है भाई। पोकेमॉन बहुत आ रहे हैं भाई। ओके वो पोकी बॉल तो हम ले नहीं सकते क्योंकि रॉक क्लाइम नहीं है मेरे पास। चलो भाई इस साइड जाके देखते हैं। ओके ये आई थिंक दूसरी जगह है भाई। यहाँ से हम लोग कहाँ निकलेंगे? रूट 16 ये कहाँ पे आ गए भाई? ओके आई थिंक मैं अनजाने में सही जगह पे आ गया जहाँ तक मुझे लगता है। चलो वही वाला ट्रेन निपटाते हैं फिर जल्दी से।
ओके मैंने ये वाला ट्रेन तो हरा दिया, पर मेरी गार्ड वो फेंट हो गई है, पर चलो कोई ना। और आई थिंक मैं हम लोग अनजाने में सही रास्ते पर आ गए। मैं तो ऐसे ही जस्ट चेक करने के में निकला, पर एक्चुअली शायद हमें यहीं पर जाना है, क्योंकि नैरा टाउन के दो रास्ते हैं, एक तो ये वाला होगा और दूसरा रास्ता आई थिंक हमें उस एक तो सिटी थी वहाँ से जाना था, तो मुझे लगा वहीं से जाना होगा, पर इसी रास्ते से जाना था। दैट्स गुड भाई, हमें रास्ता मिल गया। बट आई थिंक मैं नेक्स्ट एपिसोड में जाने वाला हूँ भाई। आई डोंट एक्चुअली आ गया टाउन शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके यहाँ पे एक घर है। ओके टाउन अभी नहीं आया, बस यहाँ पे ऐसे थोड़ा घर लगा हुआ है। चलो कोई ना, देखते हैं भाई घर के अंदर क्या है। डील कर रही है क्या? आई यू इंटरेस्ट टू इन ट्रेडिंग पोकेमॉन फॉर यू सी आई एम द ओनर ऑफ द एरिया रेयर डेल्टा स्पीशीज। आई ट्रेड इट टू यू आई इफ़ यू वॉन्ट, बट आई नीड समथिंग सुटेबल इन रिटर्न। माई डेल्टा जिराफरेक फॉर एनी फुल्ली इवॉल्व पोकमॉन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट फायर एंड वाटर एंड ग्रास टाइप टेक्निक। दैट्स फ्रेंजी प्लांट ब्लास्ट बर्न एंड हाइड्रो कैनन। भाई ऐसा कौन सा पोकमॉन है भाई? ना भाई मैं नहीं ले रहा भाई। ओके बट चलो गाइस आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई होप यू विल बी ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। आज भाई हम लोगों ने इन्फर्नल कल्टस का काम भी तमाम कर दिया, जैसा कि मैंने कहा था इन्फर्नल कल्टस जल्दी निपट जाएगी, और आज भाई निपट गई। पर अभी भी भाई पोशीफोन बची है, पोशीफोन उसकी डार्क रे कल्टिस्ट, और आई थिंक परफेक्शन कल्टिस्ट भी हमने निपटा दी है, एब्साइल कल्टिस्ट भी गई। तो आई थिंक अब बस पोशीफोन की इन्फर्नल कल्ट वो डार्क रे कल्टिस्ट बची है, और एक और कल्टिस्ट है शायद स्काई कल्टिस्ट या ऑगर की स्काई कल्टिस्ट। तो ये दो कल्टिस्ट बस और बचे हैं, इन्हें और निपटाते हैं भाई जल्दी से। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग नैरा टाउन की तरफ आगे बढ़ेंगे इसी रूट से, और उसके बाद हम लोग गियर्स टाउन में जाके देखेंगे कि हमें एथ बैच कैसे मिलेगा, क्योंकि जिम तो बंद है ऑगर का, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हमें बैच कहाँ से मिलेगा ताकि हम लोग विक्ट्री रोड पर जा सकें। बट आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। अगर मज़ा आता है एक लाइक मार देना, एंड चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे एक और धास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं रे फ्रॉम इनक्रेडिबल ताची लेता हूँ तुमसे आदर। टिल देयर साइनिंग ऑफ, पीस आउट।